ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा पे जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एक और पब्लिक यूनिवर्सिटी दैट इज़ लाट्रोब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, उसके कोर्सेज, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें मिलने वाली डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। नोट दैट लाट्रोब यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड बहुत ही सस्ती यूनिवर्सिटी सिटी है ये। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड की अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हुए स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के साथ आपको ऑप्शन मिलती है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा की। सो जल्दी से लाट्रोब यूनिवर्सिटी के बारे में बताना शुरू करता हूँ आपको। लाट्रोब यूनिवर्सिटी जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है एंड जिसके 6 कैंपसेस हैं, 2 कैंपसेस 2 मेन सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया की, फर्स्ट इन मेलबर्न, सेकंड इन सिडनी एंड 4 इसके रीजनल कैंपसेस हैं विक्टोरिया रीजन में ही, जो कि मेलबर्न से 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाएंगे। रीजनल कैंपसेस में पढ़ने का एक अलग ही फ़ायदा होता है, उसमें आपको अलग ही स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दिस यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। इसकी रैंकिंग्स के बारे में बात करें, दिस इज अमंग द 1% ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड बाय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, तो इसको उसने टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में रखा है एज़ फार एज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड। एम्प्लॉयबिलिटी रेट के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मोर देन 90%। तो दैट मीन्स यहाँ से बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद 90% स्टूडेंट्स को फर्स्ट 6 मंथ में ही जॉब मिल जाता है। ये इसलिए है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं दे आर जॉब ओरिएंटेड, वो आपको वो स्किल्स सीखने में मदद करते हैं जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी, तो आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिल जाएंगे, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मेडिकल क्लिनिक्स हैं कैंपस में, फूड एंड ड्रिंक्स आउटलेट्स आपको मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड लायर एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, पार्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, एंड कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ तो हैं ही। नाउ इसके फैकल्टीज़ के बारे में बात कर लें, किस टाइप के कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड साइंस और आर्ट्स के कोर्सेज़, देन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन फील्ड के सारे कोर्सेज़ आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। 160+ डिग्री प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन लाट्रोब यूनिवर्सिटी। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो हर कोर्स का एक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर कोर्स की अलग अलग ट्यूशन फीस है। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ। बिजनेस फील्ड में अगर बैचलर ऑफ बिजनेस की बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस में अगर इंडियन स्टूडेंट ने स्टेट बोर्ड से अपनी प्लस टू की हुई है तो 65% मार्क्स मेजर सब्जेक्ट्स में आपको लेने, आपको स्कोर करने होंगे। और आइल्स की बात करें तो ओवरऑल 6 बैंड्स विद 6 इन ईच मॉड्यूल से आपकी एडमिशन हो जाएगी। PTE एंड TOEFL एग्जाम्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट PTE का 50 स्कोर विद 50 इन ईच मॉड्यूल भी एक्सेप्टेबल है, जो कि बहुत ईजिली स्टूडेंट क्रैक कर लेते हैं अगर आइल्स में 6 बैंड्स नहीं भी आ रहे तो। नाउ एक और इंजीनियरिंग कोर्स का एग्जाम्पल ले लूँ तो बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है वो मैचलेस है। दिस इज़ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया एज फार एज सिविल इंजीनियरिंग की रिसर्च इज कंसर्न्ड। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको स्टेट बोर्ड से अगर आपने प्लस टू की हुई है उसमें 70% एंड आइल्स में 6 बैंड्स विद 6 इन ईच मॉड्यूल। नाउ स्कॉलरशिप्स एंड उस पे आए, अगर हम ट्यूशन फीस पे आए, ट्यूशन फीस, एनुअल ट्यूशन फीस की डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट है। फॉर आईडी एंड एस्टिमेट 35 to 3600 AUD,
पर एनम की फ़ीस आपको मिल जाएगी। बट मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही कहा था, यह सस्ती यूनिवर्सिटी है। सस्ती क्यों है? बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग यू डिफरेंट स्कॉलरशिप्स बाय विच योर ट्यूशन फी विल कम बिटवीन 20 to 25,000 AUD पर एनम। वो कैसे है, वो क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में पहले बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया डेस्टिनेशन स्कॉलरशिप जो कि एवरी ईयर अप टू 15,000 AUD तक आपको अवेलेबल है। एंड सेकंड इज लॉट्रॉब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो कि हर एक स्टूडेंट को ये ग्रांट की जाती है। इट इज़ बिटवीन 20% to 30% ऑफ द एनुअल ट्यूशन फीस। तो 20% भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 36,000 में से, तो आपके 7,200 जो AUD है वो डिडक्ट हो जाती हैं उसमें से। तो आपकी फ़ीस अगर 30% मिल गई 25,000 AUD से भी नीचे आ जाएगी। तो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे होता है? ये ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशंस कंप्लीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपने उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, आपकी ऑफर लेटर में ये लिख के आ जाएगी। वन मोर स्कॉलरशिप मैंने आपको बताया था, रीजनल कैंपसेस में जाने के अपने ही फ़ायदे होते हैं। उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है? रीजनल कैंपस स्कॉलरशिप आपको लाट्रॉप दे रहा है जो एक एडिशनल स्कॉलरशिप है 5,000 AUD की, जो कि आपको फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस में मिल जाती है। सो अगर आपको ये भी स्कॉलरशिप मिल गई साथ में तो योर फीस जो एनुअल ट्यूशन फीस है इट रियली कम्स वेरी वेरी डाउन। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग लाट्रॉप यूनिवर्सिटी। आप ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के एक्सपर्ट काउंसलर्स को 9855-98585 पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एंड अगर आपका ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.